टाइम पीरियड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। टाइम पीरियड के अंदर देखो एक लंबी कहानी है, 2πr/v टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड में अगर आप r और v की बड़ी बड़ी वैल्यूज जो निकाली हुई हैं पुट करें तो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब आएगा। तो ये रिजल्ट याद रखें, टाइम पीरियड किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, एन क्यूब के प्रोपोर्शनल है। इस क्वेश्चन को कैसे करना है ये हम न्यूमेरिकल में देखेंगे, इसका कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। हम r निकाल लेंगे, r और v, r नॉर्मली गिवन नहीं होता, निकालने की जरूरत ही नहीं होती। और वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता है 1/137c/n, तो वहाँ से सॉल्व करके टाइम पीरियड की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। ये मैंने लिख दिया, आर एच सी का जो मल्टीप्लीकेशन है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। वैल्यू ऑफ आर 1×10⁷ रेडबर्ग्स कॉन्स्टेंट है। रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ को वेव नंबर बोलते हैं, ये आपने सुना होगा वेव नंबर। और एन अगर क्वांटम नंबर ऑफ द हाईएस्ट लेवल इन्वॉल्व इन अ ट्रांजिशन, तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन जब एक शेल से दूसरे शेल पे इलेक्ट्रॉन गिरता है, तो जैसे 3 से 1 पे गिर सकता है, 3 से 2 पे गिर सकता है, 2 से 1 पे गिर सकता है, तो ऐसे नंबर ऑफ ट्रांजिशंस आपने ये फॉर्मूला सुना होगा केमिस्ट्री में, n×(n-1)/2 फेमस फॉर्मूला है, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।